rotation of axis. तो समझना भाई इसमें क्या मतलब है इसका, ये जैसे आपके पास में x एक्सिस एंड y एक्सिस थे, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन जो है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ओरिजिन को चेंज नहीं कर रहे हैं। सिंपल वे में यहाँ पे जो x एक्सिस थी इसको ऐसे रोटेट करा दिया, तो जितने एंगल से यहाँ पे ये रोटेट होगी ऑब्वियस सी बात है उतने एंगल से y एक्सिस जो वो भी रोटेट होगा। तो ये न्यू सिस्टम में सपोज कुछ x डैश एंड y डैश आएगा, अपने को चीज वही करनी है कि जो रोटेट कराने के बाद जो ओल्ड सिस्टम में अगर अपने पास में किसी भी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो न्यू सिस्टम में क्या होंगे, इस बात का अपने को पता लगाना है। तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट था आपके पास में, पॉइंट P था जिसके स्मॉल x एंड y थे ओल्ड सिस्टम में, और अब क्या हो गया उसके कैपिटल x एंड कैपिटल y, तो इनमें आपको रिलेशन जो फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का मतलब इसके पैरेलल, दिख नहीं रहा ना पैरेलल सा, अभी लग रहा है थोड़ा, ठीक है चलो। और यहां से एक बार के लिए इसको ज्वाइन करा दिया, जो इनका इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको डायरेक्टली याद रखना, बस वो बता रहा हूँ कि कैसे आएगा क्या आएगा ना। और यहां से एक बार के लिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी इसके पहले लग रहा है, ठीक है ऐसा हो गया। अब इनको नाम दे देते हैं कुछ, ये सपोज ओ हो गया, ये ए है, ये आपके पास में इसको बी बोल देते हैं, ये सी है, इससे इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको डी बोल देते हैं कुछ, इसको ई बोल देते हैं। अब सबसे पहले यहां से ये बताइए कि AP जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हाँ AP दिख रहा है ना आपको, AP क्या होगी, AP डिस्टेंस और OB कितनी होगी, OB OE की इक्वल क्यों होगी, अच्छा चलो ये बताओ एक एक बात बता, OE डिस्टेंस सॉरी OD डिस्टेंस कितनी होगी, नहीं यार एक ये बताना यहां से, ये आपके पास में पॉइंट है x कोमा वाई, ये डिस्टेंस कितनी है, x है ना, तो अब ये देखो ये पूरा सिस्टम जो है ना इसको ऐसे देखो कि ये वही तो एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो वो x एंड y है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है x, अरे नहीं आया, और ये वाली डिस्टेंस pb जो डिस्टेंस है ये बेसिकली यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर था, तो ये डिस्टेंस जो होगी कितनी, क्लियर है फंडा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, तो लिख दें यहाँ से AP जो डिस्टेंस है वो x, और AP जितनी डिस्टेंस है उतनी OB होगी क्या भाई, ये दोनों तो पैरेलल है। सिमिलर वे में जो BP डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपके पास, और जितनी BP है उतनी CP होगी क्या, क्यों होगी, ऐसा आ गया ना, BP और AO इक्वल हो, ठीक है, बट उसका काम नहीं आएगा ऐसा आगे। अब देखना थोड़ा एंगल्स के बारे में सोचना, ये एंगल आपके पास में थीटा है, ये कितना है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना हुआ, ये कितना है, तो ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 90 है, ये कितना हुआ, ये एंगल आ गया आपके पास थीटा। तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल BPC, ठीक है, इन ट्रायंगल BPC, इस ट्रायंगल के अंदर BC लेंथ बताओ जरा कितनी आएगी, y sin थीटा, अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, कैपिटल y sin थीटा ना, और PC डिस्टेंस बताओ भाई कितनी आएगी, ठीक है यहां तक सेट है मामला। चलो अब ये बड़े वाला ट्रायंगल देखना, इन ट्रायंगल ओ बी ई, ठीक है, इसके अंदर ओ ई डिस्टेंस बताओ, ओ ई एक्स पक्का, अच्छा ओ बी ई सॉरी, ठीक है, तो ओ ई आ गया आपके पास में,
और एक डिस्टेंस आप बी ई बता दो इसके अंदर, बी ई डिस्टेंस कितना होगा, एक्स से साइन थीटा। यहां तक कोई कंफ्यूजन भी किसी को? अब अपने को चाहिए क्या था, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रिलेशन। तो यहां से जरा ध्यान से देखो, ये जो ओडी है आपके पास में, ओडी ओडी डिस्टेंस, ओडी डिस्टेंस, इसको क्या हम ओई माइनस डी ई लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना, ओडी कितना एक्स है क्या, ओई कितना है, ओई हमने कहीं ना कहीं फाइंड कर रखा है, एक्स कॉस थीटा माइनस में डी भी हमने कहीं ना कहीं फाइंड कर रखा है, डीई। अरे डीई डीई सेम है क्या, सेट है मामला। चलो इसके बाद में ओडी के बाद में, अब तो एक्स और देखो इसमें रिलेशन आ गया स्मॉल एक्स में। अब स्मॉल वाई आपको कहां से मिलेगा, स्मॉल वाई ये वाली डिस्टेंस है, तो देखना ये जो डीपी डिस्टेंस है इसको क्या हम पीसी प्लस सीडी लिख सकते हैं, डीपी वाई है क्या स्मॉल वाई, पीसी वाई कॉस थीटा प्लस सीडी 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 एक्स साइन थीटा। तो ये आपके पास में रिलेशन आ गया, इसको डायरेक्टली याद रखना है, अभी याद रखने का भी तरीका होना चाहिए ना, ऐसे तो याद रहेगा नहीं। तो याद देखो कैसे लिखना है आपको, यहां पे स्मॉल एक्स लिखना है, यहाँ पे स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल एक्स और यहाँ पे कैपिटल वाई। कौन सी जगह कौन सा स्मॉल रखेंगे, कौन सी जगह कैपिटल, तो देखो छोटे पे बड़ा बैठता है या बड़े पे छोटा तो अच्छा लगता है, बड़े पे छोटा, तो ये देखो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो याद रहेगा हमेशा, यहाँ पे बड़ा वहां पे छोटा। और फिर यहाँ पे ये पैटर्न याद रखना है भाई, कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला पैटर्न तो बहुत जगह देखते हुए आते हो ना मैट्रिक्स वगैरह में भी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक टेबल बन गई देखो जरा। अरे नहीं बनी क्या टेबल, बन गई टेबल। अब आपको जो भी कुछ फाइंड करना है, सपोज आपको स्मॉल एक्स फाइंड करना है, तो भाई स्मॉल एक्स फाइंड करना है तो इस डायरेक्शन में चलोगे ना, अरे तभी तो एक्स मिलेगा। तो स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या आया, स्मॉल वाई अगर आपको फाइंड करना है तो, अगर आपको कैपिटल एक्स फाइंड करना है तो एक्स कोस थीटा, सारी चीजें फाइंड हो जाएंगी यहां से। तो ये इसका याद रखने का तरीका है।